कोरिया जिले में मुख्यालय वैकुंठपुर में स्थित राजीव भवन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता के तत्वावधान में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में कहीं न कहीं महिलाओं का और बच्चियों के साथ अपराध की घटनाएं हो रही हैं, साथ ही महिलाओं के साथ अत्याचार भी हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है कि हम बहन बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और इस विषय में हम कल राजीव भवन के सामने काली पट्टी लगाकर विरोध करेंगे। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि हम महिलाओं बहन बेटियों के पक्ष में, हम उनके हित में और उनके साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे और उनको न्याय दिलाने के प्रयास करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल हम लोग मौन सत्याग्रह इसी उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं। कल 12 बजे से 4 बजे तक यहीं कांग्रेस भवन के सामने काली पट्टी लगाकर हम सभी कांग्रेसजन मौन सत्याग्रह करेंगे। उसके बाद यदि उनके बहन बेटियों के पक्ष में उनके साथ न्याय नहीं होता है तो हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे।